भाई बल्टी रहत लो तब ना हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी मैं अपने गांव जा रहा हूं और मैं क्या करने जा रहा हूं वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप वो वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन आपने ऐसा वीडियो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक यूट्यूबर होकर ऐसा काम करता हो। वैसे बहुत सारे लोग मतलब यूट्यूबर कहने का मतलब होता है कि हाई फाई, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मैं जो हूँ नॉर्मल हूँ वैसा ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं क्या करने गाँव जा रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो फाइनली हम गाँव का जो रास्ता है मेन रोड से हम लोग आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितनी पहाड़ी ही पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ों के बीच में मेरा गाँव बसा हुआ है। तो वहीं हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली अब हम लोग कुछ देर में अपना गांव पहुंच जाएंगे। तो गांव में मैं आप पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरा भरा आपको हरियाली आपको दिख रही होगी। तो चलिए मैं आपको यहां से खलिहान में ले चलता हूं। अबे तू यार तराजू से मत तोलेगा यार। तराजू से कितना तोल रहेंगे, कोई नहीं तोलेगा। तो बल्टिया से कैसे पता चलेगा? 12 केजी के। तो मैं अपने गांव में धान जो होता है वो मैं लेने आया हूं। और ये जो धान है, ये जो खलिहान है, घर से आधा किलोमीटर के लगभग दूरी पे है। तो यहां से मैं धान को नपवाने के बाद, तोलने के बाद, मतलब ये डब्बा से हम लोग यहां पे नाप रहे हैं, वो 12 केजी का डब्बा है, उसको नापने के बाद यहां से मैं आपको घर पर अपना साइकिल से यहाँ पर ले जाऊँगा। वो भी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो धान है इसको हम लोग तराजू से तोलते हैं, लेकिन तराजू से क्या होता है तोलने में कि आपको उसमें हाथ ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। और बहुत सारा धान है इसके चलते हम लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक अपनाया है। ये बाल्टी में 12 केजी अटता है और 12 केजी इसमें डालने के बाद हम लोग मतलब झटा फटाफट इसको मतलब इधर डाल देंगे तो उधर से आसानी पड़ता है। तो अभी मैं बाल्टी से यहाँ पर नाप लेता हूँ और एक आधा मेरा होगा और इसके बाद यहाँ से ले जाऊँगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे मोटर लगा हुआ है। पिछला बार मैंने आपको पानी वाला मोटर चला के दिखाया था, अभी मैं आपको इस गैस सिलेंडर से आपको इस मोटर में जो फैन लगा हुआ है उसको आपको चला के दिखाऊँगा। और ये चलता भी है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं अभी आपको चला के इसको दिखाऊँगा कि ये जो गैस सिलेंडर है इसके थ्रू ये जो पाइप अथी मोटर आपको दिख रहा है, जो पंखा लगा हुआ है, उसको मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। काट देता है तो ध्यान से हवा चेक कर रहे हैं कितना हवा दे रहा है। अरे साला तू हवा उधर कर दे, नहले करते ना नहलो। लाइन है घिंचा रहा है, ये तो हिल जा रहा है, हवा देता है लेकिन ढेर छोटा छोटा है ना। कहाँ पकड़ के खींच रहा है? बस 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 लेट से फोन में किए तो लेट से उड़बे किया ना। ना फोन में नहीं दाल सवेरे ना बहुत दिक्कत है। नहीं वो
तो मैं जो गांव में गया था, अपने जो गांव में जो खेती होती है वो धान को मैं अपने घर पे रखने के लिए गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने खुद वज़न किया, उस बाल्टी के मदद से मैंने वज़न भी किया और साइकिल से हम लोग घर पे भी लाए। तो इसमें करीब मेरे को 3 से 4 घंटा 5 घंटा के लगभग मेरे को टोटल लगा था। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में मिलेंगे, फिर एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।